हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं रोड ट्रिप करने वाला हूँ महाड़ से वहूर तक। जो अभी हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे नया बन रहा है, तो दो तीन साल के अंदर जो चेंजेस आए महाड़ के अंदर, महाड़ से लेके पूरा मानगांव आगे तक मुंबई तक। लेकिन अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, बस वहूर तक जाऊँगा। एक 4-5 मिनट का आज का व्लॉग बनाऊंगा। तो आज देखेंगे रोड ट्रिप में कितना चेंजेस हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग जो हमारे भाई लोग रहते या फिर कोई दोस्त लोग रहता है जो गल्फ में रहते, ज्यादा मालूम नहीं मिलती है। उसकी वजह से आज मैं सोच रहा था कि रोड में क्या चेंजेस आए, मतलब कैसा लग रहा है अभी। अभी मैं बिल्कुल जो महाड़ का बस स्टैंड है उसके बिल्कुल पीछे हूँ। यहाँ पे पीछे महाड़ का बस डेपो है। अभी ये भी इसको तोड़ के यहाँ पे बाजू में नायाब बांधने वाले, तैयारी चल रही है, फिर कॉलम वगैरह करे। मेरे पीछे ब्रिज बन रहा है, ये डायरेक्ट ब्रिज जाएगा स्ट्रेट मुंबई के लिए, और यहाँ के अंदर जाने के लिए रास्ता रखा हुआ है। तो यहाँ से अंदर महाड़ के अंदर डेपो में जाएगा, सिटी में जाएगी हम लोग। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, जाएंगे महाड़ से वहूर तक का सफर करेंगे। तो चलो जाते, स्टार्ट कर दे सफर। Calm before the storm, things aren't as they were before. You best start bracing. तो चलो आज रोड ट्रिप स्टार्ट करेंगे महाड़ से। मैं भी महाड़ के बस स्टैंड से बाहर है, बाहर के आने के बाद जो हाईवे रहता है वहाँ से स्टार्ट किया व्लॉग। और आप लोग देखेंगे कि पहले है ना सिंगल ट्रैक था, सिंगल ट्रैक के बाद अभी चेंजेस हुए, डबल ट्रैक से ट्रिपल ट्रैक पे आया। एक साइड में अगर आप लोग जाएंगे ना तो ट्रिपल ट्रैक रहेगा, दूसरे साइड में आने के लिए ट्रिपल ट्रैक है। 6 ट्रैक का रोड बनने वाला है, बन रहा है, ऑलमोस्ट तो हो चुका है। ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन अभी मतलब रोड कंप्लीट हो चुका है। आगे यहाँ से जाएंगे ना तो राइट साइड में आप लोगों को जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, यहाँ से अंदर अगर जाएंगे तो आप लोग रायगढ़ के फोर्ट पे जाएंगे, रायगढ़ किले के तरफ जा सकते हैं। और इस तरफ से जाएंगे तो महाड़ सिटी के अंदर भी जाने को आपको रोड मिल जाएगा। सो यहाँ से आगे जाने के बाद है ना जो गंधार पहले लाइनी जो है ना बहुत मशहूर है, फेमस है, तो वो मिलेगा, शायद कवर होगा तो अच्छा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये पुराना वीडियो है, 2022 का जनवरी का वीडियो है। और अभी ये 2023 चला है और जनवरी में मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था, अपलोड नहीं किया था। हाँ, सोचा चलो अपलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में था, तो सोचा इस वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि रोड इतने चेंजेस हुए ना एक साल के अंदर कि उसके हद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे वर्क जाएगा ना वैसे वैसे ट्रैवल करने के लिए आसानी हो जाएगी। अभी अगर आप लोग मुंबई से ट्रैवल करते हैं अपने कोंकण में आने के लिए, ऑलमोस्ट मतलब महार में आने तक है ना, मुंबई से महार में आने के लिए अगर बम्बई सेंटर से बैठेंगे महार में आएंगे तो कम से कम है ना 5 घंटे तो जाएंगे, 5 से 6 घंटा जाने वाला है ट्रैवल के लिए अभी केस में। लेकिन जैसे रोड कंप्लीट हो जाएगा ना तो मेरे ख्याल से समझो 4 घंटे के अंदर, 3.5-4 घंटे के अंदर आप लोग आराम से महार में पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल नागुटने से लेके है ना वड़खल तक रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत ख़राब होती है ऐसे रोड पर ट्रैवल करने के लिए। तो वो अगर कवर करूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं व्लॉग करूँगा, मोटो व्लॉग करूँगा, तब मैं आपका बताऊँगा। तो अब ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये साईनगर विलेज है, साईनगर गांव है, और बाजू में जो गया वो आइडियल स्कूल के बस वगैरह थे। और यहाँ से आगे जाएंगे साईनगर विलेज महार में आए, महार के आगे फिर आप लोग जाएंगे तो केमुली आएगा, केमुली विलेज, केमुली। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ना ये थोड़ा बहुत पुराना है, क्योंकि अभी का थोड़ा चेंजेस हुए ना, मतलब रोड पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। और केमुली को पहले ही मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ से इस वीडियो में जाऊँगा तो जो पुराना रोड था वहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अभी जो फ्लाईओवर बना है वहाँ से गाड़ियाँ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त व्यू मिलता है जाने के लिए भी और ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो केमुली, वहूर, दासगांव या ऐसा छुटकी के अंदर निकल गया था, इतना मस्त रोड हुआ है, ट्रैवल करने के लिए अच्छा लगता है। फिलहाल है ना अगर आप लोग मुंबई से आएंगे तो इंदापुर के आगे आप लोगों को रोड बहुत अच्छा मिलेगा, इंदापुर से लेके महाड़ पोलतपुर तक रोड बहुत अच्छा हुआ है, कॉन्क्रीट का भी है और ऐसा लोकल भी रोड है, तो काफ़ी अच्छा ट्रैवल के लिए अच्छा लगता है, ट्रैवल भी जल्दी होता है, टाइम भी जल्दी चला जाता है। सो अभी ये रोड बन चुका है जो आप लोग देख रहे वीडियो में, ये रोड पिछले साल का है लेकिन अभी ये सब कुछ बन चुका है, कॉन्क्रीट का है। जो जिस रोड पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये पुराना रोड है, जो सिंगल ट्रैक रोड था ना वो था। ये सामने जो एरिया है ये आप देख रहे हैं ये रुचि कॉर्नर है, मतलब केमुली के थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो रुचि कॉर्नर है। यहाँ पे थोड़े से मतलब होटल वगैरह है और वाटरफॉल भी है यहाँ पर, तो घूमने के लिए टूरिस्ट पॉइंट भी, मतलब छोटा सा टूरिस्ट पॉइंट है।
तो इसके आगे रुचि कॉर्नर के आगे जाने के बाद आप लोगों को वहूर विलेज मिलेगा, और वहूर विलेज तक का आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि महाड़ से वहूर तक का वीडियो बनाऊंगा। और वहूर में जब मैं स्कूल में आने का ना, वहूर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि वहूर में फजंदर हाई स्कूल है, उस स्कूल से मेरी यादें जुड़ी हुई है। उस वक्त हम लोग मिनी डोर से आने के 5-5 रुपये दे के आने के मेरे को याद है, लेकिन अभी कितना टिकट है कुछ याद नहीं है मेरे को। लेकिन फुर्सत में जब भी जाऊँगा ना मैं वहूर में, तब एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगा। और ये जो सामने ब्रिज देखते हैं, ये उस वक्त बन रहा था पिछले साल, लेकिन अभी ये ब्रिज रेडी हो चुका है, इसलिए चुटकी के अंदर है ना वहूर भी निकल गया था, वो समझ में नहीं आया। 2022 के अंदर जितने भी मैंने मोटो व्लॉग किया हो ना, वीडियो किया हो, तो आप लोगों को आई बटन के अंदर मिल जाएगी, तब है ना आप लोगों को उसमें ये जो ब्रिज है, जो रोड है, जो चेंजेस हुए रोड में, वो सब आपको मिल जाएगी उस वीडियो में। क्योंकि मैं महाड़ से मुंबई भी ट्रैवल किया था M2M फेरी के लिए, तो सब कुछ वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, चेंजेस भी आप लोग देख सकते हैं। सो अभी आगे आके रुकूंगा और थोड़ी सी बातें करूँगा। तो अभी मैं पहुँच गया वहूर में, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं वहूर की स्कूल है, इस स्कूल से कुछ मेरा ताल्लुक बना हुआ था। मैंने यहाँ पे एजुकेशन मेरा कम्प्लीट किया, मतलब महाड़ से वहूर आने के लिए एक ही ट्रैक था, तो आज लगभग 10 से होने को आया है, वो एक ट्रैक के बदले आज यहाँ पर 6-6 ट्रैक बन चुके हैं। मतलब ये 10 साल में दुनिया इतनी चेंज हो चुकी है कि कुछ बता नहीं सकते। और आगे फ्यूचर में, अभी तो हमारी जनरेशन आने वाली बाकी है, तब क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। जब भी मैं ट्रैवल करने का उस वक्त, तो ST जो मंडल जो ST है, उस हार से ST वहूर के लिए आने की, तो उसका टिकट 5 रुपये था, और जो प्राइवेट मिनी डो चलने की उसका टिकट कुछ 8 रुपये था। तो अभी पता नहीं टिकट क्या है यहाँ का वहूर, मतलब महार से वहूर तक का। और मेरे साथ में वहू फहद भी आया है, तो फहद ने भी यहाँ पे कौन सा किया था, कोचिंग का किया था, कोचिंग क्लासेस का कुछ किया था। तो फहद से मैं पूछता हूँ, फहद ने यहाँ पे कैसा टाइम अपना निकाला था, कैसा लग रहा था? अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा था फिर यहाँ पे वहूर में, तूने जब ये लिया था कोचिंग, लिया था कोचिंग क्लासेस? कोचिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। पहले हमको खाली सुबह में बस उठने की तकलीफ थी, सुबह में उठना हमको बहुत जानकार था, पहले तो इतना ही सही। एक्चुअली इतना कुछ ट्रैवलिंग के लिए ये नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, लाइक सिंगल ट्रैक रोड था, तो ज़्यादा कुछ ये नहीं था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, प्राइवेट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिर बस डेपो है, बस चलते हैं इधर ST। और अभी तो क्या इतना ही इतना हम बड़े हो गए, क्या अभी हम अपने ही खुद के प्राइवेट गाड़ियों से ही आ गए। उस टाइम पे अगर बाइक रही थी तो और अच्छा रहता था ना, कॉलेज में हमारे घर वाले हमको अलाउ नहीं करते थे वो टाइम पे। हाँ, लेकिन मैंने बाइक लाया 10वीं में था ना, मैं 10th में, तभी मैंने बाइक से मैंने ट्रैवल किया था लास्ट में, तो अच्छा लगने का, मजा आने का। ठीक है, तो कभी नेक्स्ट वॉक कभी आएगा मेरा वहूर का, तो फहद को मैं लेके आऊंगा, ऐसा मेरा इरादा है। तो अगर स्कूल में भी मेरे को जाने मिलता है, फजंदर हाई स्कूल में अगर जाने को मिलता है, तो वहां पर जाके जो मेरे टीचर्स हैं उनसे भी आप लोगों को मिला होगा, तो पता नहीं उस टाइम का, तो उस टाइम पे देखेंगे, अभी जो है वो है। नेक्स्ट व्लॉग जब भी मैं वहूर का बनाऊंगा, तो उस वक्त की यादें आपके सामने शेयर करूंगा, और आप लोगों की भी यादें बहुत ही ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि वहूर में जिन्होंने एजुकेशन किया है, कंप्लीट किया है, तो वो तो भूल नहीं सकते वो। अली भाई, आपको पता है मेरे डैडी भी यही कॉलेज से पढ़े हैं। ऐसा क्या? जी, वहूर से? जी जी, उन्होंने अपना स्कूलिंग आफ्टर 7th स्टैंडर्ड और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड तक वो यहाँ पे ही पढ़े। आज भी वहूर का नाम, वहूर के कॉलेज का नाम, फजंदर हाई स्कूल कॉलेज का नाम बहुत ही माना जाता है, बहुत इज्जत है आज भी इस कॉलेज को। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं वापिस अगली नेक्स्ट वीडियो में। मुझे एक बात बोलनी है। हाँ गाइस, प्लीज इनको सपोर्ट करो, ये मैं इनके यहाँ पिछले 2 दिन से इनका ट्रैवल कर रहा हूँ, भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज भाई लोग, सब लोग इनको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इनके चैनल को जल्दी से जल्दी बड़ा करो। थैंक यू। तो चलो खुदा हाफिज, मिलते हैं वापिस अगली नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, और टेक केयर, बाय बाय, मस्सलाम।